सदन के सामने कई बातें कई दिनों से लगातार कई लोगों द्वारा कही गईं, लेकिन उन बातों में से एक ही चीज़ कई बार दोहराई जा रही थी कि एक ही प्रांत में नहीं, एक ही क्षेत्र में नहीं, वरन हर क्षेत्र में बराबर प्रगति होनी चाहिए। यदि किसी एक क्षेत्र में कई सुविधाएं लोगों को दी जाएं और दूसरे क्षेत्र में नहीं, तो इससे प्रादेशिक असंतुलन बढ़ता है और कई तरह से लोग सरकार पर आरोप करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक ही जगह से जब योजना सभी क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है तो एक एक बात पर गौर किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में कई तरह से विषमता हो सकती है, उसको दूर करने के कई तरीके भी हो सकते हैं। यदि एक तरीके से ही उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा तो संभव है यह प्रयास असफल हो जाएगा। यदि एक तरह की बात सभी क्षेत्रों पर लागू होती है तो उस क्षेत्र के लिए एक ही प्रकार से योजना बन सकती है। एक ही चीज़ सब क्षेत्रों पर लागू ना होने से कई बार कई मामलों में इस प्रकार का भेदभाव पनपने लगता है, जिसको दूर करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। एक ना एक प्रांत एक ना एक रोच इस विषमता का शिकार होता है। एक एक चीज़ के ऊपर विचार करने के बाद ही पता लगता है कि किस बात में किस प्रांत में कमी है। कई प्रांतों के बारे में कई कई दिन से बहस में एक ना एक प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह माल के लाने ले जाने में कई प्रकार का झगड़ा रहता है। एक ही जगह से यदि माल एक ही प्रांत के अंदर जाता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल जाता है जिनको दूर किए बिना आवागमन संभव नहीं हो सकता। कई दिनों से कई लोगों ने कई प्रकार की बातें कहीं, कई प्रकार के लोग हमारे प्रांतों के अंदर रहते हैं, कई मामलों में उनमें भिन्नता होती है, कई बातों में उनमें समानता भी होती है। एक बार भी यदि उन मामलों को आपस में सुलझा लिया जाए तो एक तरह से उन सभी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। हर किसी का यही कहना है कि हमारा प्रांत पिछड़ा हुआ है। यदि एक तरह से इस सारे देश की समस्याओं पर विचार करें तो इसमें संदेह नहीं कि हम इन क्षेत्रीय समस्याओं को आसानी से सुलझा सकेंगे।